उनको खेलेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। डायमंड के लिए अहम मुकाबला है। बिल्कुल जयेश भाई, पिछले दो दिनों से इन दोनों ही बल्लेबाजों की हमने बल्लेबाजी देखी है। महेश काफी अच्छा खेलते हैं और उनके पार्टनर जो कि राजेश, वो भी अच्छा खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है आज हमें चौके और छक्के जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस बार स्ट्राइक लेते हुए महेश और नॉट स्ट्राइक पर है राजेश। तो पहला ओवर करते हुए आर्यदुर्गा क्रिकेटर की ओर से महेंद्र। महेंद्र एक घातक गेंदबाज है, उनको खेलना बहुत बड़ी बात है बल्लेबाजों को। अरे भाई डायमंड कितना स्कोर बना पाएगी पांच ओवरों में कम से कम, क्या लगता है आपको? डायमंड जो कि एक बड़ी टीम है इस प्रतियोगिता में, उनके लिए अहम मुकाबला, कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी पांच ओवरों में? जयेश भाई कहा जाए तो सुबह सुबह का माहौल है, अभी भी ठंड महसूस हो रही है और यहाँ पर पिच पर मैट है, इसी कारण ठंड में गेंद काफी ज्यादा उछाल प्राप्त कर लेता है, इसका फायदा काफी हद तक बल्लेबाज को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अबाउट 50 यहाँ पर बनाने में कामयाब रहेंगे डायमंड के बल्लेबाज। अबाउट 50 यानी ऊपर जाना चाहिए, कम से कम 90 रन होने चाहिए बोर्ड पर। इस बीच महीन है पहली गेंद के साथ, तो महेंद्र की पहली गेंद महेश के लिए, उठाकर खेलना चाहते थे, सही टाइम नहीं कर पाए, वहां पर एक रन मिलता हुआ, एक रनों के साथ डायमंड का खाता खुलता हुआ, एक रन बगैर कोई नुकसान के। माधव भाई राजेश जो कि स्ट्राइक पर है वो बहुत बड़े घातक बल्लेबाज है। बढ़िया शॉट, जी राजेश भाई ये गोवा के सुपरस्टार है राजेश वांगनकर, जिन्होंने आज एक बार फिर से साबित किया है कि स्टार की चमक क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, या जिन्होंने पहली छक्का लगाकर साबित किया। इस बार यहां पर बेहतरीन वापसी गेंदबाज महेंद्र द्वारा, हालांकि पिछली गेंद पर छक्का जरूर पड़ा था उनको, उसके बाद क्या सही वापसी यहां पर। इस बार उठाकर खेला है, इस बार डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार, 6 रन। तो बिल्कुल पहला ओवर चलता हुआ, 4 गेंदे हो चुकी है, 2 बड़े छक्के इस ओवर में लगाए हैं राजेश वांगनकर ने। एक बार फिर से आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सीधा वन बाउंस फील्ड होती हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर, जो कि सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को आर्य दुर्गा के समर्थक। इस बार अगेन बिग ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छी तरह फील्ड कर गेंद वापस भेजते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर 14 रन पर पहुंचता हुआ पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ, जो कि किया था महेंद्र ने। इस ओवर में आए 14 रन, तो 14 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर डायमंड स्पोर्ट क्लब का बिना कोई विकेट खोए। तो बिल्कुल एक बढ़िया स्टार्ट मिला है यहां पर और राजेश जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, आज उनका एक बार फिर से फॉर्म यहां पर दिखाने में कामयाब राजेश। नई गेंदबाज अपाली, इस बार बहुत ही अच्छी शॉट, स्ट्रेट ड्राइव के लिए खेली थी शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, कम से कम 3 रन अपनी टीम के लिए यहां पर बचाए यश ने।
बिल्कुल काबिले तारीफ फील्डिंग अपाली यहां पर दूसरा ओवर करते हुए। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, बिल्कुल सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो इस तरह का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है बल्लेबाज महेश को। एक बार फिर से पढ़ने के बाद काफी ज्यादा उछाल मिलता हुआ और दबाव में यहां पर रखा है आपाली ने महेश को। बिल्कुल लगातार दो डॉट गेंदे, सिर्फ एक रन आया है इस ओवर में। इस बार अगेन बीट कर दिया आपाली ने। क्या गजब की गेंदबाजी यहां पर, गजब का आत्मविश्वास इस वक्त आपाली के अंदर। जानते हैं सुबह सुबह का माहौल और ठंड अभी भी इस मैदान में महसूस होती हुई, लेकिन ठंड को काबू करते हुए एक अच्छी गर्माहट यहां पर लाने में कामयाब आपाली। इस बार मौका मिला, गेंद को खेल दिया है यहां पर लॉन्ग ऑन सर के ऊपर से गेंद, एक बार फिर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहां पर हाथ खोलने का मौका दिया है बल्लेबाज को। 21 रन अब तक बना पाई है डायमंड की टीम। एक और डॉट गेंद, शायद व्हाइट का इशारा और व्हाइट एक रन और अतिरिक्त रन के रूप में मिलता हुआ 22 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर डायमंड स्पोर्ट क्लब का। बिल्कुल अच्छी नबीतुली गेंदबाजी करते हुए यहां पर आपाली कलंगुटकर, गोवा के स्टार हैं। एक और स्लोअर वन गेंद, इस बार गति मिश्रण करते हुए बिल्कुल चकमा खा गए वहां पर। दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हुआ आपाली का। इस ओवर में आए 8 रन, कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली आपाली द्वारा। हालांकि पहली गेंद जिस पर 1 रन जरूर मिला था, उसके बाद 3 लगातार डॉट गेंदे, ये तो एक महान ही गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी कर सकता है, उसका नमूना आज इस मैदान पर हमें देखने को मिला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय कप्तान विशाल सावंत का। 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। अगर देखा जाए ये अच्छा डिसीजन माना जा सकता है, क्योंकि एक तरह का दबाव जो है वो यहाँ पर बनाया है आर्य दुर्गा के गेंदबाजों ने। फिलहाल तीसरे गेंदबाज देवराज वलपई के लोकल हीरो। पहली गेंद यहां पर पॉइंट की सर के ऊपर से गेंद को छेर सीमा रेखा पार पहुंचाने में कामयाब राजेश वाइंगनकर। इसी बीच ये तीसरा छक्का उनकी बल्ले से निकलता हुआ। पहली गेंद पर बड़ा स्वागत यहां पर किया है देवराज का राजेश ने। इस बार काफी तेज गति की रफ्तार से डाली हुई गेंद, थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था लेकिन अच्छी वापसी यहां पर देवराज द्वारा। बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज है राजेश। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, काफी दूर जाती हुई विकेट कीपर से गेंद, थोड़ी सी अंदर आती तो शायद यहां पर विकेट गिरने के आसार थे, लेकिन अच्छी किस्मत यहां पर राजेश वाइंगनकर की। अच्छे बल्लेबाज है डायमंड स्पोर्ट क्लब के ओपनिंग बल्लेबाज, सलामी जोड़ी इस वक्त दिखती हुई मैदान के ऊपर। फिलहाल स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन पर। फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे महेश। एक अच्छे बल्लेबाज है। इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, थोड़ी सा दूर जाता हुआ गेंद। विशाल इस वक्त चिंताग्रस्त होंगे, चिंतित होंगे, 2 विकेट लेने के आसार थे यहां पर देवराज को, लेकिन थोड़ी सी दूर गिरती हुई गेंद। बिल्कुल
दोनों ही बल्लेबाजों को इस वक्त जीवन दान मिलता हुआ। फिलहाल स्ट्राइक पर राजेश, जिन्होंने अब तक 3 छक्के जड़े हैं अपनी इस पारी में। इस बार गति में परिवर्तन, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला, इस बार ऑफ स्टंप मिस किया और अतिरिक्त रन के साथ टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 31 रन डायमंड स्पोर्ट क्लब का। देवराज जो कि वालपई के हीरो, इस बार उठाकर खेला है, कैच होने की संभावना, फील्डर नीचे मौजूद है, पहला झटका इस वक्त देने में कामयाब, पहला ब्रेक थ्रू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो देने में कामयाब देवराज। प्लीज मेक नोट, मैच आफ्टर दिस विल बी प्लेड बिटवीन फ्रेंड्स 11 वालपोय एंड रेगो ब्रदर्स, एक्सपेक्टिंग बोथ द कैप्टन्स टू प्लीज कम अप विद द टीम लाइनअप टू द कमेंट्री बॉक्स। 31 इस वक्त का स्कोर, 31 लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज असुरिया का यहां पर उगम होता हुआ, सूर्या आए हैं। देवा को विकेट मिलने के बाद थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका जरूर बड़ा होगा, क्योंकि सुबह सुबह के माहौल में विकेट लेना इतना आसान नहीं, लेकिन वो काम यहां पर पूरा किया देवराज ने। स्ट्राइक पर सूर्या, फुल टॉस गेंद, सूर्या चमका, इस बार मौका मिला 6 रन के साथ टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। इसी बीच तीसरे ओवर की समाप्ति, यहां पर विकेट जरूर मिला था इस ओवर में, लेकिन 15 रन दे दिए यहां पर देवराज ने। 3 ओवर का खेल फिलहाल समाप्त, बचे हैं 2 ओवर और टोटल स्कोर इस वक्त का 37, 1 विकेट के नुकसान पर। ये एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी आर्य दुर्गा की ओर से, क्योंकि जानते थे टॉस जीता है, सुबह सुबह का माहौल, फील्डिंग करने का निर्णय, और क्या काम किया है उनके गेंदबाजों ने। नए गेंदबाज यश, लंबे कद के खिलाड़ी, 11 नंबर की जर्सी पहनकर बॉलिंग मार्क पर दिखते हुए 111। इस बार उठाकर खेला है यश का, यहां पर स्वागत होता हुआ, हुआ यहां पर ड्रोन का, जिन्होंने यहां पर फोटोग्राफी लेना चालू कर दिया है, वीडियोग्राफी यहां पर हो रही है ड्रोन के जरिए। बिल्कुल मैदान के बीच इस वक्त ड्रोन उड़ता हुआ। पहली गेंद, बड़ा स्वागत है यश का। दूसरी गेंद काफी ज्यादा उछाल, अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक यहां पर यश का, पहली गेंद पर छक्का जरूर, उसके बाद क्या लाजवाब वापसी, डॉट गेंद। फिलहाल चारों ओर घूमकर वीडियोग्राफी करता हुआ हमारा ड्रोन, काफी ऊंची उड़ान भरी है ड्रोन ने। यश जो कि चौथी गेंदबाज है आर्य दुर्गा की ओर से, इस बार उठाकर खेला है, गेंद मिड विकेट की दिशा में, कैच होने के आसार यहां पर, लेकिन कोसों दूर जाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। तो इसी 6 रन की मदद से टोटल स्कोर 49-49, 1 विकेट के नुकसान पर 49 पर पहुंचता हुआ स्कोर डायमंड स्पोर्ट क्लब का।
तो देखा जाए तो दोनों ही टीमों ने शुरुआत काफी अच्छी की है, दाद देनी चाहिए। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, उसी दिशा में गेंद गई है और अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर एक रन के साथ 50 रन का आंकड़ा यहां पर पूरा किया। बिल्कुल आनंदित उत्साहित होंगे डायमंड के सभी सपोर्टर, उनके ओनर कप्तान है निरंजन और डायमंड टीम के ओनर है सैयद वासी, बिल्कुल खुश होंगे अपने बल्लेबाजों के इस तरह का प्रदर्शन से। फिलहाल स्ट्राइक पर सूर्या जिन्होंने एक छक्का जड़ा है। यश की अगली गेंद फेस करेंगे सूर्या, शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर से सूर्या चमका। सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का और टोटल स्कोर इस वक्त का होता हुआ 56। बिल्कुल थोड़े से हावी होते हुए बल्लेबाज इस वक्त यश जी के ऊपर। चौथा ओवर और लगभग 3 छक्के इस ओवर में आए हैं, अभी भी कुछ गेंदे बची हुई है चौथे ओवर की। इस समय दबाव आता हुआ यश के ऊपर तो थोड़े से हताश जरूर होंगे, निराश जरूर होंगे, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक और इस बार लॉन्ग ऑन की सर के ऊपर से गेंद सीमा पार, तोहफा दिया और यहां पर कबूल किया सूर्या ने। इसी बीच चौथे ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 62-62, एक विकेट के नुकसान पर डायमंड स्पोर्ट क्लब का। तो चौथा ओवर जो कि काफी महंगा ओवर इस समय गिरता हुआ आर्य दुर्गा के दृष्टिकोण से, 25 रन इस ओवर में आए, 4 छक्के इस ओवर में लगे हैं। तो एक बिल्कुल दबाव भरी गेंदबाजी आज देखने को मिली यश के जरिए, हालांकि इस तरह की उम्मीद नहीं रखी थी कप्तान विशाल ने उनसे, लेकिन सुबह सुबह का माहौल, ठंड अभी भी महसूस होती हुई, तो बिल्कुल सोचने वाली बात यहां पर यश को। नए गेंदबाज प्रमोद आखिरी ओवर करेंगे इस पारी का, देखते हैं प्रमोद किस तरह से ओवर करते हैं अपना। प्रमोद एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं आर्य दुर्गा की ओर से। फिलहाल स्कोर रुकता हुआ 62 रन पर, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज राजेश जिन्होंने 21 रन का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल यहां पर हल्की सी बातचीत करते हुए अपने सभी साथियों से कप्तान विशाल, जानते हैं इस मैच की अहमियत इनके लिए कितनी मायने रखती है। इस बार गेंदबाजी में बदलाव किया, महादेव को लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर, देखते हैं महादेव अपना रुद्र अवतार यहां पर दिखाते हैं या नहीं। बिल्कुल गेंदबाजी इनको अच्छी करनी चाहिए, आखिरी ओवर पारी का जो कि करवा रहे हैं महादेव। शॉर्ट पिच गेंद, बीट हुए वहां पे महेश, रन आउट होने का मौका, डायरेक्ट हिट, अपील तो जरूर की थी लेकिन एम्पायर पर कोई असर नहीं, जो कि लेग अंपायर हमारे नितिन पोकले उर्फ भाऊ। बिल्कुल इस वक्त डोन हमारी सामने से गुजरता हुआ, बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी इस वक्त होती हुई ड्रोन के जरिए। फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी दोनों ही होती हुई यहां पर। इस बार उठाकर खेला है और काफी दूर जाता हुआ गेंद, इस बार एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ने में कामयाब बल्लेबाज सूर्या।
एक बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर फील्ड होती हुई गेंद सिख कॉमेंट्री बॉक्स के सामने। तो अच्छा कमबैक इस वक्त होता हुआ महादेव के जरिए, जो कि आखिरी ओवर करवा रहे हैं। टोटल स्कोर इस वक्त का 69 बना है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर डायमंड स्पोर्ट क्लब का। इस बार उठाकर खेला है, एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की सर के ऊपर से गेंद, सीमा रेखा पार, 6 रन। इस वक्त का स्कोर डायमंड स्पोर्ट क्लब का, एक विकेट के नुकसान पर 75। चार गेंदे हो चुकी है इस ओवर में, आए हैं 2 बड़े छक्के, अभी भी कुछ गेंदे बची हुई है महादेव की, महादेव पर इस बार आता हुआ प्रेशर, दबाव। एक और यहां पर तोहफा दिया महादेव ने और सूर्या ने उसको कबूल किया। एक बार फिर से नतीजा छक्के में तब्दील होता हुआ, इसी 6 रन की मदद से टोटल स्कोर 81। जयेश भाई, आपने कहा था बिल्कुल 90 के करीब पहुंचेगी और आपका जो भविष्य था इस वक्त सही साबित होता हुआ। दाद देनी चाहिए सूर्या के, जिन्होंने 6 छक्के अभी तक जड़े हैं अपनी पारी में। यहां पर क्लीन बोल्ड, आखिरकार आखिरी गेंद पर सफलता लेने में कामयाब महादेव। स्कोरबोर्ड रुका 81 रन पर, 81 रन पर स्कोरबोर्ड रुकता हुआ। जीत के लिए आर्य दुर्गा के सामने लक्ष्य रखा है 82 42। 5 ओवर में 82 रन बनाने होंगे अगर ये मैच आर्य दुर्गा को जीतना है तो। और आगे का हको दिखाल मैं सुनाने के लिए गुजारिश करूंगा जयेश गांवकर जी से। Requesting captain of Friends 11 and Rego Brothers to come for the toss with the team lineup.
रेगो कैप्टन, कैप्टन मोहम्मद रेगो ब्रदर्स, आपके लिए लास्ट कॉल, आपकी प्रतीक्षा करता हुआ यहाँ पर टॉस के लिए फ्रेंड्स का कप्तान, प्लीज कोऑपरेट करें मोहम्मद भाई। This time change the bowling line. Shivanand to bowl the first over and Vishal, the man on strike. And change the batting order. Mahadev with open on this match. First delivery by Shivanand. Very good delivery right into the block hole. No chance to hit the big six. Just guides the ball. Vishal. Next delivery this time in the air. Can it be the catch? Yes, Shivanand picks up a wicket off, important wicket off Vishal in the very first over. And Vishal, the captain, goes back to the pavilion. This time next delivery by Shivanand, Pali looking for the big shot, doesn't get it right, just a single. And finally Arya Durga cricketers open his account, one for one. Some very good over ball there by Shivanand. One for one. This time very good delivery charge for the catch. And Shivanand takes a blinder. And Mahadev, it walks back to the pavilion. Score remain on one for two. तो इस मैच में से स्पेशल प्राइजेस रखे गए हैं, जो भी बल्लेबाज 6 गेंदों में 5 छक्के लगाता है उसको यहां पर स्पेशल इनाम दिया जाएगा। इस मैच में 6 बॉलों में जो भी 5 छक्के लगाएगा बार लगातार उसको स्पेशल इनाम नामदेव भाई से है, नामदेव राणे। This time good delivery by Shivanand, doesn't time the ball snail, just a single. With this single score moves on to 2 for the loss of 2 wickets. It's a struggling there by Arya Durga cricketers, chasing a target of 82 runs, they are struggling. No Mahesh in the lineup, so it's very good to see Arya Durga cricketers can chase down this total or no. This on man on strike, Pali. Good delivery in the air and taken.
So third wicket goes down. Diamond on fire. And Aryadurga cricketer is struggling too for the loss of three wickets. So, शिवानंद ने घातक गेंदबाजी करके पहले ओवर में तीन सफलता दिलवाई है डायमंड के लिए और स्कोरबोर्ड रुकता हुआ दो रन तीन विकेट के नुकसान पर. स्नेहल और अक्षय की जोड़ी मैदान पर इस वक्त खेलती हुई और गेंदबाज हैं. एक घातक गेंदबाज सूर्या यहां पर गेंद से दिखते हुए. हालांकि 82 रनों का जो लक्ष्य था वो काफी पीछे पड़ते हुए आर्यदुर्गा क्रिकेटर्स. अगर एक बल्ले कोई बल्लेबाज छह गेंदों में पांच छक्के लगाता है उनको इनाम रखा है यहाँ पे. सूर्या की अगली गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई. स्नेहल ने उसको खेला है हल्के मोड़ा था वहां पर एक रन मिलता हुआ एक रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ तीन रन तीन विकेट के नुकसान पर आर्यदुर्गा क्रिकेटर्स काफी दबाव में दिखती हुई. सुनहरी ऑफर अभी भी चालू है. जो भी बल्लेबाज छह गेंदों में पांच छक्के लगाता है वो स्पेशल इनाम का हकदार बनेगा. This is a very good delivery. Score moves on to 5 runs. We are in the second over. Is bowled by Surya. And Diamond on fire. Good delivery. Missing. Very good delivery. Good line and length there. Missing there. Score remain on. Next delivery by Surya. Good start there by Diamond. Next delivery. This time Akshay looking for the big shot. Doesn't get so right. So he promotes the on strike there. Score moves on to. Six. The loss of three wickets. Surya with the ball. Good delivery. Snehal trying for the big shot. Missed time there. Is end of the Surya's over. Score is 6. They required 76 runs in 18 balls. They exactly required 25 runs per over. They exactly required 25 runs per over. Not could be easy. इसके बाद जो मुकाबला होगा फ्रेंड्स 11 और रेगो ब्रदर्स के बीच. हालांकि फ्रेंड्स 11 बिल्कुल सटीक काम किया है. वो क्वालिफाई हो चुके हैं मेरे को लगता है फ्रेंड्स 11. गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार राजेश आते हुए जिन्होंने पहले से धमाल किया गेंद से कमाल करते यानी देखने में दिलचस्प रहेगा. डायमंड के लिए अच्छी खबर आती हुई. 82 रनों का जो लक्ष्य था आर्यदुर्गा क्रिकेटर्स का भी डिफिकल्ट उनके लिए. राजेश टू बॉल फर्स्ट डिलीवरी. Very good delivery. I think it's a clean ball. And the fourth wicket goes back to the pavilion. Score remain on 6 runs. The loss of 4 wickets. It's struggling. It's a very
struggling there. Not a good start there by Arya Durga cricketers. Arya Durga cricketers ki baat kare to pehla din unke liye acha raha tha. Dusre din kal wo thode gadbadaye aur aaj bhi fir se wahi continue kahani dohrate hue Arya Durga cricketers. पहले दिन जिस प्रकार की शुरुआत की थी उन्होंने तीन में से तीन मुकाबले जीते, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लगातार हारते रहे वो और यहां पर भी स्ट्रगल करती हुई. अगली गेंद राजेश की, संदीप आए हैं नए बल्लेबाज, उनको मौका मिला है खेलने का. राजेश की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, उठा कर खेला है, क्या ये कैच होगा? नहीं, छह रन और छक्के के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन. महादेव भाई इस वक्त लग रहा है कि डायमंड का पगड़ा भारी, आपको क्या लगता है? डायमंड जिस प्रकार से खेल रही है ऐसा लगता है कि ये इस मुकाबले को जोड़ी में डाल सकती है? कहना उचित नहीं होगा जयेश भाई, अभी भी दो ओवर बचे हैं और संदीप जो कि हार्ड हिटर माने जाते हैं, एक बार फिर से वही कहानी दोहराते हुए एक बार फिर से छह रन मिलते हुए तो कहां कुछ नहीं जा सकता जयेश भाई. टोटल स्कोर 18 और नए बल्लेबाज जो कि अभी अभी आए हैं संदीप, जिन्होंने बैक टू बैक दो छक्के लगाए हैं. तारीफ करनी चाहिए यहां पर, संकट के दौर से गुजरती हुई इस वक्त आर्य दुर्गा की टीम और थोड़ी सी राहत यहां पर भरते हुए संदीप जो कि बल्लेबाज हैं. राजेश जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था उसके बाद लगातार दो छक्के, थोड़े से चिंताग्रस्त होंगे. इस बार उठाकर खेला एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. इसी एक रन के साथ 19 पर पहुंचता हुआ स्कोर, चार विकेट के नुकसान पर. सबसे बड़ा जब झटका उनको तब लगा जब उनके कप्तान विशाल सावंत आउट हुए, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला था. बिल्कुल जब शुरुआत हुई थी आर्य दुर्गा की तो लगातार तीन मुकाबले उन्होंने जीते थे, उसके बाद थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई इनकी टीम. इस बार एक बार फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज. टोटल स्कोर 20 82 रनों का फासला उन्हें तय करना है और अभी तक 20 ही रन अर्जित किए हैं. स्ट्राइक पर संदीप, उठाकर खेलने का प्रयास था उनका, मारना चाहते थे यहां पर लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, थोड़े से बीट हुए. इसी बीच ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर यहां पर समाप्त हुआ राजेश का और टोटल स्कोर वही का वही रुकता हुआ 21 रन पर. 15 रन जरूर मिले हैं इस ओवर में, लेकिन एक अहम सफलता लेने में कामयाब राजेश, बिल्कुल दाद देने चाहिए राजेश की. और जिस तरह का यहां पर डायमंड ने शुरुआत की है, जिस तरह की उनकी तारीफ करनी चाहिए. हालांकि टॉस जरूर हारे थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, 81 रन इन्होंने बनाए थे अपनी पारी में और 82 रनों का लक्ष्य रखा था आर्य दुर्गा के सामने. जवाबी हमले में आर्य दुर्गा के चार बल्लेबाज सस्ते में लौट चुके हैं पेवेलियन. और संदीप जो कि उनके ऊपर
अभी पूरा भरोसा कप्तान विशाल को। बिल्कुल संकट के दौर से इस वक्त गुजरती हुई आर्य दुर्गा की टीम, यहाँ पर अगर टीम को उबारना है तो संदीप को यहाँ पर संकट मोचन वाली पारी खेलने की आवश्यकता। देखते हैं संदीप, उनमें वो क्षमता है, एक बार फिर से साबित किया है इन्होंने, एक और छक्का इनके बल्ले से, तारीफ करनी चाहिए, स्वागत किया है यहाँ पर पहली गेंद पर बल्लेबाज ने, गेंदबाज ऋत्वेश का। संदीप है तो मुमकिन है, ऐसा मानना है उनकी टीम का, जो कि आर्य दुर्गा की ओर से खेलते हैं संदीप। 27 रन अब तक बना पाई है। एक बार फिर से मौका मिला हाथ खोलने का, एक बार फिर से वही रिप्ले यहां पर पेश करते हुए, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, और टोटल स्कोर इस वक्त का 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 33 लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल संकट मोचन वाली पारी यहां पर खेलते हुए, बिल्कुल तारना चाहिए अपनी टीम को, और वही काम करते हुए यहां पर संदीप, जानते हैं उनके हुक में एक के सस्ते में लौट चुके हैं, तो उनकी कमी को यहां पर भरते हुए 33 अब तक का स्कोर आर्य दुर्गा का 4 विकेट के नुकसान पर। तो इस बार दबाव आता हुआ ऋत्वेश के ऊपर, इस बार गति में मिश्रण किया, थोड़ा सा उछाल भरा यहां पर गेंद, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए संदीप उसको, तो अच्छी वापसी। जब संदीप को रोकना है तो इसी तरह की गेंद करवाने की आवश्यकता ऋत्वेश को। एक बार फिर से उसी दिशा में डाली हुई गेंद, एक और डॉट गेंद, तो थोड़े से यहां पर चिंतित जरूर होंगे महेश संदीप, जो कि बल्लेबाजी करते हुए। इस बार उड़ाया, इस बार डीप मिड विकेट की सर के ऊपर से गेंद कोसों दूर जाती हुई 6 रनों के लिए, इसी 6 रन के साथ टोटल स्कोर 39 4 विकेट के नुकसान पर। ऋत्वेश थोड़े से हताश निराश जरूर होंगे, इस बार सीधा खेलने का प्रयास था उनका, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इसी बीच 40 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, 34th ओवर यहां पर समाप्त हुआ, और चाहिए अभी 42 रनों की आवश्यकता एक ओवर में। We have among us Nasir Bhai. We have among us Nazir Bhai, proprietor of Felicity Khan Residency. I request him to please come and take your place. Requesting Nazir Bhai, I request Mansoor to please accompany him. He has sponsored the first place prize ₹81,000. Please welcome him with loud applause. Thank you, Sunny Bhai. छह गेंदे बचे हैं और चाहिए
पहली गेंद और स्वागत किया यहां पर संदीप ने, एक बार फिर से साबित किया, प्रमाणित किया अपने आप को। तो टोटल स्कोर 46 इस वक्त का। पर बनता हुआ स्कोर। This is a white ball. Score moves on to 47. They still require 5 balls. They require 35 runs. 5 balls. They require 35 runs. So next delivery. Change the pace there. Very good delivery. Missing the bat. Very good delivery there by the bowler. Batsman no chance to hit the big six. Still required 4 balls. They require 35 runs. Ball ball. They require 9 runs. It not could be easy to score per ball 9 runs. This time next delivery, change the pace. Once again a very good delivery. White ball signal by the umpires. With this white ball, the score moves on to 48. Next delivery, this time quick and fast. And it's bowling. So Arizuga cricketers is struggling. Still required 34 runs in 3 balls. Per ball, they require 11 runs. Madhe bhai, aapko kya lagta hai ki 3 gene 34 run? Kya ye laksh ho jayega hasil? Laksh kafi bada hai. 3 gende, aisa kabhi hua nahi hai. Ab to koi chamatkar hi yahan par pari ko sambhal sakta hai. Nahi ballebaaz Devraj. Next delivery, good delivery there. Now the off, white ball signal by the umpire. With his white ball, the score moves on to 49. Next delivery, this time slow one, another white ball, score moves on to 50. Score moves on to 50 runs. Next delivery. What a shot there. What a shot. 6. With this 6, score moves on to 56. Score moves on to 56. The next match is played between Friends 11 versus Rego Brothers. The most important game from Rego Brothers. Rego Brothers have won the toss and elected to bowl. Next delivery. This time, very good shot there. Devraj is good form. 6. Still required 1 ball. They required 20 runs. Devraj ko thoda niche ballebazi karni padi hai is aim mukable mein. Nirash honga unka kema. Next delivery. What a shot by Devraj, missing this time. And end of that innings, the match won by Diamond. DJ. Hello. 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 This is third Satri Premier League. Organized by SPL committee. Lead by Riyaz Khan. And Siddhesh Sahunke, Henzo Sadadek, Anbarasta, Cricketi Khatir, Kosla Sportsa, Riyaz Khan and Siddhesh Sahunke, Sadat Henzo Fudakarasta, President, Yavasachi Committee, Chamcha Akhtar Shah, Amka Machi Labli Lesa, as a guest manun, Chairperson of Walpoy Municipal Council, Tashets, Yatunna Menche, first prize on 81,000, Jamka donate Kilasa, Mr. Nazir Khan, proprietor of Khan Residency, Henzo Bi Sadadek, Anbarasta, Tenchani, Pile Fort.